जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ चुका है और इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि आपका जो कटअप के कितना स्टेट वाइज कटअप गया है पीटी और पीएचटी के लिए। अब बात है कि जो जिसका कटअप क्लियर है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिसका कटअप उसमें नहीं आ रहा होगा, पर नॉर्मलाइज मार्क्स कितना बड़ा है वो भी अभी चेक नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि साइड काफ़ी बिजी हो चुका है और अपना नाम भी चेक नहीं कर पाए होंगे काफ़ी कैंडिडेट। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जितने भी पीडीएफ है, पीडीएफ वन, पीडीएफ टू, लिस्ट वन, लिस्ट टू, जो भी है उसे मैं शेयर कर दूंगा। सिंपल सा आपको चेक करने का फंडा है कि यहाँ पर इस पीडीएफ को खोल के सर्च वाला जो बटन है इस पर आपको अपना यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पे नाम भी सर्च कर सकते हैं। रोल नंबर अगर सर्च करेंगे तो जैसे कोई रोल नंबर है तो यहाँ पे जैसे कोई नाम है, जैसे कोई भी नाम यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे एक नाम है अरुण कुमार, तो यहाँ पे अरुण शर्मा जैसे सर्च किया तो ये फर्स्ट में ही था, इसीलिए यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख गया कि अरुण कुमार, अरुण शर्मा, यहाँ पे नाम आपको हाईलाइट दिख गया। अगर आपका नाम काफ़ी नीचे पेज में रहेगा, यहाँ पे टोटल पेज 2002 पेज है, 2002 पेज होने के बावजूद यहाँ पे है कि आपको पेज स्क्रॉल करते जाना है, आपको रोल नंबर मैच करना है कि आपका रोल नंबर कितना नंबर तक का है, तो इसे आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चेक करना है पीडीएफ में, अपना नाम से भी या आप रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चेक करने का हंडा है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन छोटा सा, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।